क्या हाल है। आज के और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे 36 फीट बाय 41 फुट 6 इंच में बना हुआ घर का जो है नक्शा दिखाते हैं। कॉल 8095615113 फॉर हाउस प्लान्स, 3D फ्रंट एलिवेशन, 3D इंटीरियर, 3D एनिमेशन वॉक थ्रू, RCC स्ट्रक्चरल डिजाइन, इलेक्ट्रिक ड्रॉइंग एंड प्लम्बिंग ड्रॉइंग। एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल लाइफ इज ऑसम सिविल। देखिएगा वीडियो को और आप नया है चैनल पर सब्सक्राइब कर दो। जो जिस किसी को भी हाउस प्लान की जरूरत पड़ती है, मुझे मालूम है बहुत सारे लोग जो है हाउस प्लान ढूंढ रहे हैं यूट्यूब पे, वो इंस्टाग्राम पे, हर एक जगह पे। तो आप लोग सिर्फ कांटेक्ट कर लीजिएगा मोबाइल नंबर 8095615113 पर, आप मुझे संपर्क कर लीजिएगा। आपको हाउस प्लान्स, 3D फ्रंट एलिवेशन, 3D इंटीरियर सब वीडियोस मिलते हैं। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इस प्लान के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लीजिएगा इस प्लान का पूरा फुल व्यू, और इसमें कंसिस्ट करता है पीछे की तरफ ऑफ साइड 2 फीट किचन, बेडरूम, कॉमन टॉयलेट, बाथ, एक सिट आउट मिल रहा है आप लोगों को, हॉल मिल रहा है, आंगन मिल रहा है या फिर पार्किंग कह सकते हैं उसको, और बेडरूम नंबर 2। ये जो है गांव का प्लान है, गांव के नक्शे के हिसाब से बनवाया गया। तो देखिएगा स्टार्टिंग से एंटर करते हैं, आंगन मिल जाता यानी कि कार पार्किंग एरिया। अब गांव में कैसा है, थोड़ा सा उनको खुला जगह चाहिए, और एक चीज़ कुछ अनाज बोरी वो सब रखने के लिए भी स्थल चाहिए ना, जगह चाहिए। तो उसके लिए भी इस पोर्शन पे रखने के लिए जगह मिल जाता। आंगन का साइज़ यहाँ पर 19 फुट 6 इंच बाय 16 फुट 6 इंच में मिला हुआ है। यहाँ पर आ जाएगा एक सिट आउट 10 फुट बाय 11 फुट में एक सिट आउट मिल रहा है, और उसी के साथ इधर जो आ जाता आपका हॉल जो कि 16 बाय 11 फीट में, और इधर देखिएगा यहाँ पर दूसरा वाला बेडरूम 13 बाय 9 फीट, एक विंडो ले सकते साउथ की तरफ, वेस्ट की तरफ एक विंडो, और यहाँ पे चाहे तो एक सिट आउट कम बेड की तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं, और एक एक्स्ट्रा दरवाज़ा भी इधर लगवा सकते हैं। फिर उसके साथ आ जाएगा यहाँ पे एक हॉल 16 बाई 11 फीट में, और देखिएगा ये है आपका कॉमन टॉयलेट बाथ 3 फुट 6 इंच बाई 6 फुट, किचन मिल जाता है आपको 12 फुट 6 इंच बाई 10 फीट में किचन, और पहला वाला बेडरूम जो है 13 बाई 10 फुट में। तो इस तरह से दोस्तों उनका जो रिक्वायरमेंट था, चाहे रूम थोड़ा बहुत कुछ मीडियम साइज़ में आ जाए, बट हमको जो है सामने की तरफ आंगन बड़ी सी चाहिए। और उसी के साथ देखिएगा सराउंडिंग में जितना भी जगह है वहां पर ऑफसेट एरिया दिया हुआ है, खुलापन, सो दैट कोई सफोकेशन की कोई जरूरत नहीं, और प्लम्बिंग पाइपलाइन सिस्टम भी एकदम आसानी से हो सके इस घर के लिए। एंड यहाँ पर आ जाता है यूटिलिटी, 7 बाई 4 फीट में एक यूटिलिटी मिल रहा है, जो कि इनके पास कुछ एक्स्ट्रा जगह बचा हुआ था तो उसके लिए वो लोग जो है यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं वाला जगह। ये ऑफसेट 3 फीट इस तरह से बना हुआ है। तो साथियों अब तक इस प्लान में लगभग खर्चा जो आता आपको 20-25 लाख रुपये का आराम से खर्चा आ जाएगा, डिपेंड करता। अगर आप सिंपल घर बना रहे हैं बोले तो खर्चा कम आएगा, अगर अच्छा बहुत ही बेहतरीन घर बनाना चाहते तो खर्चा ज़्यादा आ जाता। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, और भी आपको हमारे इस चैनल पर हाउस कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलते रहेगा, ज़रूर चेक कर लीजिएगा हमारे जितने भी नए नए प्लान्स हम दे रहे हैं। सो थैंक यू सो मच।